में किस प्रकार के दुख होते हैं वह दुख की बात कर रहे हैं। दुख सबको अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं, तो कैसे कैसे दुख होते हैं, अपन कैसे कैसे भोग करके आए हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। निगोद के दुख और वहाँ से किस प्रकार से निकलते हैं जीव, उसकी चर्चा करते हैं। एक श्वास में अठ दस बार जन्मियो मरियो भरियो दुखे भार, निकसे भूमि जल पावक भयो, पवन पति के बन से पति थयो। तो निगोद एक स्थान है जो नरकों से नीचे है, उसे कलंका पृथ्वी भी कहते हैं। तो वहां पर निगोदिया जीव भरे पड़े, असंख्य अनंतानंत निगोदिया जीव वहां पर हैं। तो हमने कल कहा था कि दो प्रकार के निगोद जीव होते हैं, एक इतर निगोद होते हैं और एक नित्य निगोद होते हैं। नित्य मतलब जो अभी वहां निगोद से निकले नहीं हैं उनको नित्य निगोद कहते हैं, और जो निगोद से निकल करके और अन्य पर्यायों में जाकर के पुनः निगोदिया जीव बन गए, तो वो पूरे तीन लोक में ठसा ठस भरे हुए हैं। यहाँ अनंतानंत निगोदिया जीव भरे हुए हैं इस हॉल के अंदर, अपने शरीर के अंदर। ऐसा तीन लोक में कोई जगह नहीं है जहाँ निगोदिया जीव ठसा ठस ना भरे हों। तो उनकी क्या दशा होती है, एक श्वास में 18 बार उनका हैप्पी बर्थडे टू यू मना लिया जाता है और एक श्वास में 18 बार एक्सपायर डेट मना ली जाती है। यानी 18 बार एक श्वास में जन्म हो जाता है और मरण हो जाता है, और एक श्वास में यानी एक मिनट में 72 श्वासोश्वास होती हैं, 72। अब एक श्वास में 18 बार मरण हो जाता है। अब विचार करें कितने बार जन्म और कितने बार मरण हो गया, कैलकुलेशन लगाना कि एक श्वास में 18 बार वो जीव जन्म लेता है और 18 बार ही मरण कर लेता है। कितनी आयु, कितनी सूक्ष्म आयु है उसकी। निगोद से यह जीव एक श्वास में 18 बार जन्म ले लेता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जन्मो मरियो दुख भार, ये जन्म मरण के दुख बहुत बार सहन किए। निकस भूमि, फिर निगोद से निकल करके पृथ्वी कायक बन गया, यानी जमीन बन गया, पृथ्वी बन गया, कंकड़ बन गया, पहाड़ बन गया। पहाड़ का इतना बड़ी इसमें जो एक पहाड़ एक टुकड़ा जो अपन पत्थर का लेते हैं, उस टुकड़े में असंख्यात जीव हैं। इसलिए जहाँ गीला हो फालतू अपन को जमीन आदि नहीं खोदना, इधर उधर ज़्यादा भागा, क्योंकि वो सारे जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और तो पहले जीव निकल करके क्या बना, निकस भूमि, भूमि यानी पृथ्वी, फिर जल, फिर पानी बना, फिर पावक यानि अग्नि बना, फिर पवन, पवन यानि वायु, फिर वनस्पति जो पेड़ पौधे आदि हैं। ऐसे ये पांच पर्यायों को प्राप्त हुआ निगोद से निकल करके। तो भूमि, भूमि की जो आयु होती है सबसे अधिक, जो कठोर पृथ्वी होती है उसकी 22,000 वर्ष की आयु होती है। यानी जो पृथ्वी में जीव है वो कब तक जी सकता है, 22,000 वर्ष तक एक पृथ्वी का जीव। और एक छोटा सा कंकड़ भी है तो उसमें असंख्यात जीव हैं उस कंकड़ के अंदर। तो असंख्यात जीव कंकड़ों का पुद्गल यानी उनके असंख्यात जीवों के शरीर हैं। छोटे से छोटा जो कंकड़ है उसमें असंख्यात जीवों का एक पिंड है।
जैसे नुक्ति का एक लड्डू है तो बहुत सारी नुक्ति यानी बूंदी, बहुत सारी बूंदी का एक पिंड हो गया एक लड्डू, ऐसे ही छोटे से छोटा कंकड़ जो है उसमें असंख्यात जीवों का शरीर है जो पृथ्वी काय कहलाते हैं। तो ये भूमि, फिर जल, तो इसकी 22,000 वर्ष की आयु होती है किसकी, पृथ्वी काय जीव की, जो कठोर पृथ्वी होती है, और एक कोमल पृथ्वी होती है उसकी 12,000 वर्ष की आयु होती है। फिर जल पानी बन गए, तो पानी की अधिक से अधिक आयु, पानी की जो जीव है ये एक बूंद पानी में आपके मेडिकल साइंस ने या शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिकों ने 36,450 जीव कहे एक बूंद पानी में। तो एक बूंद पानी में कितने जीव हो गए, 36,450, ठीक है ना। तो ये साइंस ने कहा, और जैन दर्शन कहता है एक बूंद पानी में इतने जीव हैं, अगर इनके पंख लगा दिए जाएं तो पूरे 3 लोक में सुई के बराबर जगह नहीं रहेगी, इसलिए पानी को छान करके पीना चाहिए, हमारे कम से कम मांस खाने का पाप तो नहीं लगेगा। अब आप कह सकते हैं महाराज जी पानी छाना और वो सब जीव तो मर जाएंगे क्योंकि हम उन्हें का पाप तो नहीं लगा, और पानी एक बार छनने पर 48 मिनट तक उसके योनि स्थान आदि समाप्त हो जाते हैं। तो कपड़ा, कौन से कपड़े से पानी छानना चाहिए, कपड़े को 36 अंगुल लंबा 24 अंगुल चौड़ा ऐसे कंबल कपड़े को डबल करके, और पानी सूरज के तरफ हम देखें तो उसका प्रकाश हमें ना दिखें, इतने मोटे कपड़े से छना हुआ पानी की एक्सपायर डेट 48 मिनट होती है, 48 मिनट के बाद पुनः उसमें जीव उत्पन्न होने की योग्यता आ जाएगी। इसलिए पानी जब भी पिए छान करके पिए, मगर हम तो ऐसा करते हैं धोती, दादाजी की धोती फट जाती है, उस धोती के डबल करके उससे छान लेते हैं, वो फॉर्मेलिटी है। और जो बाजार में छन्नियाँ मिलती हैं ये भी बहुत पतले कपड़े की बनी होती हैं, पहले के लोगों के घरों में अच्छे मोटे कपड़े से पानी छनता था, वो पानी शुद्ध होता था। और जब भी किसी को पानी पिलाओ या पियो तो छान करके ही पिलाएं, क्योंकि तो हमें उसे इतना मांसाहार करने का जो पाप लगता उससे हम बच जाएंगे। तो इस जल काय की आयु, अब मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, या तो 3,000 वर्ष है या 7,000 वर्ष है, कल उसको या शाम को प्रवचन में या कल फाइनल कर देंगे। तो ये पावक, पावक यानी अग्नि, तो अग्नि की जो आयु है वो 3 दिन रात है, इसलिए जब कोई मर जाता है तो मरघट में जलाने के बाद कितने दिन के बाद जाते हैं, 3rd दिन। क्यों जाते हैं, कि वो आग अपने आप बुझ जाए, इसलिए जब मैंने अग्नि की आयु जो है वो 3,003 दिन की है, 3 दिन रात में वो अग्नि अपने आप बुझ जाएगी अगर उसे ईंधन नहीं मिलेगा तो। तो ये भी अग्नि काय भी जीव है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी दर्शन, कोई भी फिलॉसफी पृथ्वी में जीव नहीं मानती, वायु में जीव नहीं मानती, जल में जीव नहीं मानती, अग्नि में जीव नहीं मानती, और पेड़ पौधों में जीव नहीं मानती, मगर जगदीश चंद्र बसु ने वनस्पति में भी जीव को सिद्ध किया, मगर जैन दर्शन ने तो अनादि काल से सिद्ध कर दिया, जब से सूरज और चांद हैं तब से उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो ऐसे निकस भूमि जल पावक भयो, यानी पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक और वायु कायक और वनस्पति कायक। तो ऐसे वनस्पति जीव जो पेड़ पौधे घास आदि हैं ये सब वनस्पति कहलाते हैं। तो यहाँ निकल करके हुए, तो ये इनके पास एक इंद्री होती है, एक स्पर्शन इंद्री होती है, इन किसके पास, पृथ्वी के पास, जल के पास, अग्नि के पास, वायु के पास और वनस्पति के पास। तो स्पर्शन इंद्री कौन सी होती है, जिसे हम छू करके जानते हैं, स्पर्श करके ज्ञान करते हैं कि ये कठोर है, ये मुलायम है, ये हल्का है, ये भारी है, ये भूखा है, ये चिकना है, इस प्रकार से, ठीक है। देखो जिसको जहाँ भी डिफिकल्टी हो
फौरन एक उंगली उठाना और अपना प्रश्न कर लेना। वो गलत है, वहाँ वो अग्नि को बुझाते हैं, तो वो जीवों को मारा उन्होंने, और अपने आप जीव मरना और एक जीव मारना, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। तो जो क्या है, आजकल तो कोई किसी मुंह देखी प्रीत है, किसी को कोई मतलब नहीं, तो मरो और जियो। पहले के आदमी जब किसी को जला करके आते थे तो दो दो तीन तीन दिन भोजन नहीं किया जा सकता था, ऐसी फीलिंग करते थे, ऐसा गम मनाते थे। मगर आप कहते हैं मर गया, जलाओ जुलो, वो मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, वो अरथी जा रही है गाड़ी में, पहले कंधा लगा करके ले जाते थे और बड़े उससे फीलिंग करते थे, और अब तो वहीं पर तेरमा की घोषणा हो जाती है। तेरमा, अब यार क्या बनाओगे यार, अब यार उसको मत बुलाना, वो हलवाई को, उसमें टेस्ट नहीं था। कहाँ से चर्चा हो रही है, वहीं मरघट में, 12वें दिन की खाने की व्यवस्था मरघट में बनाई जा रही है। तो कुछ नहीं है पहले का, आप तो नाश्ता तक की व्यवस्थाएं हो गई बड़े बड़े शहरों में, उधर मुर्दा जलता रहता है और मरघटों में लोग चाय और नाश्ता करते रहते हैं। लो आपके पुण्य से आपके लिए किताब आ गई, फटाफट, ऐसे नहीं तो मैं इन्हीं को दो, वो एक दूसरे को देते जाएंगे, गड्डी की गड्डी दे दो, एक दूसरे को पीछे भेजते जाओ, सबको मिलेगी। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, लालच मत करो, तुम जितनी हो उससे 5 गुनी किताबें अधिक आई हैं, पीछे देते जाओ, पीछे देते जाओ। अरे भाई एक मत दो, इकट्ठी पकड़ा दो, वो सबको बांट देंगे, तुम और पीछे दे दो। हाँ, पेज नंबर 10 निकाल लें, सबको दे दें फटाफट। बोले नहीं, बोले नहीं, मौनपूर्वक किताब लें, मुंह से किताब थोड़ी लेना है, हाथ से किताब लेना है। ये कुर्सियां वाले बड़े परेशान कर रहे हैं, ये कुर्सी वाले वहां लगाएं कुर्सियां अपनी किनारे, तुम्हारे पैर देखें क्या हम? चलिए वहां लगाइए कुर्सी। हाँ, तो एक श्वास में 8-10 बार यानी 18 बार जन्म और 18 बार मरण इस जीव का होता है, उसके कष्टों को ये जीव अनादि काल से सहन करता चला आ रहा है। फिर निगोस से निकल कर कहाँ जाता है, तो निकस भूमि जल पावक भयो, यानी पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक और पवन यानी वायु कायक, और प्रत्येक वनस्पति और ऐसा ये पेड़ पौधे आदि इसमें जन्म लिया। एनी डिफिकल्टी? पृथ्वी कायक जो जीव है उसकी 22,000 वर्ष की आयु कठोर पृथ्वी की होती है, वायु कायक की जो आयु अभी बताता हूँ, याद आ जाएगी। तो पृथ्वी काय की 22,000, जल काय की 7,000 और अग्नि की 3 दिन बाद, तो 3,000 वर्ष की वायु कायक की और 10,000 वर्ष की वनस्पति की होती है अधिक से अधिक, और कम से कम तो अंतर्मुहूर्त होती है। अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? 47-48 मिनट के भीतर भीतर वो अंतर्मुहूर्त कहलाता है, मगर एक समय से दूसरे समय से अंतर्मुहूर्त चालू हो जाता है। समय किसे कहते हैं? जैसे हमने ये उंगली घुमाई या अपना पलक झपका, तो इसमें असंख्यात समय हो गए, जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ऐसे ही असंख्यात समयों का एक आउली होती है और असंख्यात आउली का एक मुहूर्त होता है। तो ये समय को एक अपन गणित के हिसाब से समझ लें, ये उंगली घुमा दी तो इसमें जितना समय लगा वो असंख्यात समय लग गया, इसमें इतना सूक्ष्म है जैन दर्शन का समय। तो ये वायु काय की जो उम्र है, वायु काय जीव जब मरेगा अधिक से अधिक कितना जिएगा? 3,000 वर्ष। सभी को पुस्तक मिल गई? ठीक, जिनको नहीं मिली वो प्राप्त कर लें। तो ये आपको समझ में आ गया, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुख भार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। अब त्रियंच गति में जो गाय भैंस कुत्ते बिल्ली आदि 2 इंद्रिय जीव हैं, उन्हें किस प्रकार की
दुख होते हैं उनको किस प्रकार की स्थिति क्या बनती है उसको कहते हैं। दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यू पर आय लही तैसे तणी, लट पिपीले अलि आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। दुर्लभ लही यानी बहुत दुर्लभता से, बहुत मेहनत, बहुत कठिनता से क्या मिला, ज्यों यानी जैसे किसी सूरदास के लिए एक डायमंड मिल जाए। किसको मिल जाए? सूरदास को, जिसकी आंखें नहीं हैं। तो कितना दुर्लभ है, आंख वाले को नहीं मिला मगर सूरदास को मिल गया चिंतामणि रत्न। तो जिससे सभी चिंताओं का निवारण हो जाता है उसको चिंतामणि रत्न कहते हैं। मगर अभी तक किसी ने उसे देखा नहीं है, नहीं तो अभी हम बांट देते। अगर हमारे पास होता तो हम तुम सबको बांट देते तो तुम्हारे सारे टेंशन तनाव खत्म हो जाते और सारे लोगों की मनोवांछा पूरी हो जाती। शास्त्रों में जरूर इस चिंतामणि रत्न की बात आती है। अब ये कैसा होता है, जब अपन यहाँ से मरण करके स्वर्ग में जाएंगे तब अपन अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से देख लेंगे और मिल ही जाएगा। तो ऐसा दुर्लभ यानी चिंतामणि का मतलब है जो बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। जैसे इब्राहिम लिंकन 21 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने, तो ऐसे बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से जो चीज़ प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कहते हैं जो यानी जैसे चिंतामणि रत्न दुर्लभ यानी बड़ी कठिनता से, बहुत मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ करने से प्राप्त होता है, त्यों वैसे ही त्रस तणी यानी त्रस पर्याय। देखो इनको स्थावर कहते हैं, और समझ लें जो एक इंद्री जीव होते हैं इनको स्थावर कहते हैं और दो इंद्री से लेकर के चार इंद्री के जीवों को विकलत्रय कहते हैं। और वैसे तो त्रस कहते हैं पंच इंद्री तक, मगर जो दो इंद्री, तीन इंद्री, चौ इंद्री जीवों को विकलत्रय कहते हैं। और फिर ऐसे त्रस इनके दो भेद हैं, एक स्थावर और त्रस। तो त्रस तो दो इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक कहलाते हैं, उनको त्रस कहते हैं। और जो एक इंद्री केवल जिसके पास एक स्पर्शन इंद्री होती है उन्हें स्थावर कहते हैं। स्थावर का मतलब जो एक जगह स्थिर होते हैं, वो आगे चलना फिरना उनका नहीं होता, वो स्थावर कहलाते हैं। और त्रस जो खिसकते हैं, जो चलते हैं, वो त्रस कहलाते हैं। तो ऐसे तो त्यों जैसे त्रस तणी यानी त्रस की पर्याय, वो भी बड़ी दुर्लभता से उन्हें कठिनता से प्राप्त हुई है। वहाँ भी लट लट देखते ना ऐसे ग्रीन कलर की जो मटर की फल्ली में निकलती है, यूँ चलती है, यूँ चलती है ना लट, उसको लट कहते हैं। उसके पास दो इंद्री हो जाती हैं, एक स्पर्शन इंद्री और एक रसना इंद्री। रसना किसे कहते हैं, जिससे अपन टेस्ट लेते हैं खाने पीने का, खट्टा मीठा चरपरा कसाइला जो स्वाद आता है वो रसना इंद्री कहलाती है। तो इस लट के पास दो इंद्री हो जाती हैं, कौन कौन सी, एक स्पर्शन इंद्री और दूसरी रसना इंद्री, जिससे वो टेस्ट पता करती है। फिर उसके बाद पिपील, पिपील यानी चींटी रानी, जो तुम्हारी मम्मी लड्डू छुपा करके रख देती है तो वो चींटी तुम्हें बता देती है। कैसे बता देती है, मम्मी ने लड्डू का डब्बा ऊपर रख दिया और तुम्हें लड्डू बहुत पसंद थे और मम्मी ने कहा कि लड्डू ज़्यादा खाएगी तो इसको पोटी भी ज़्यादा जाना पड़ेगी, तो मम्मी ने लड्डू छुपा के रख दिए। तो चींटी तुम्हारी बहन जो थी, छोटी बहन, वो तुम्हें बता देती, वो लाइन लगा करके वो डिब्बे से लेकर के नीचे उतरती हैं और ऊपर चढ़ती हैं, मम्मी ने वहीं छुपाए होंगे। तो बच्चा स्टूल रखता और स्टूल रख के डब्बा निकालता और लड्डू खा करके डब्बा वहीं रख देता। अब मम्मी ने, मेहमान आ गए, अब मेहमान आए तो फिर अब क्या करें, मम्मी ने सोचा कोई बात नहीं, नाश्ता तो नहीं बनाया, हमने मगज के लड्डू बना करके रखे थे, थोड़ी मूंगफली पोहा सेंक लेते हैं, मगज के लड्डू के साथ नाश्ता करा देंगे। तो पता चला बिटिया रानी ने चींटी रानी की सहायता से सब लड्डू हजम कर गई, है ना। तो ऐसी ये चींटी
इसकी नोज होती है, इसके पास चींटी के पास नाक होती है, तो इसको खुशबू आ जाती है कि कहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसी चींटी भौरा, तो चौइंद्री भौरा कहलाता, तीन इंद्री चींटी कहलाती है। इसके पास क्या बढ़ गई? नोज, नाक बढ़ गई, इसे सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हो जाता है। और भौरा जो होता है उसके पास आँख आ जाती है। जितने ये उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं ये सब चौइंद्री जीव कहलाते हैं, इनके पास आँख भी आ जाती है। और ये इत्यादि सरीरों को क्या कहते हैं? अली, अली यानी भौरा, आदि शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर, यानी क्या बने? लट बने, पिपील बने, भौरा बने, चीटी बने। तो ये अनेक बार अपन ने शरीर धारण किया और मरण को प्राप्त हो गए। ऐसे बहुत दुख सहन किए, शरीर धर धर के ने धारण करके मरियो, और सही बहुपीर, सही यानी सहन किया, ऐसे अनेक प्रकार की पीड़ा को हमने सहन किया। ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बता रहे हैं कि मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिलती है, कितनी कठिनता से मिलती है। अपन को लगता है कि मम्मी पापा ने हमें जन्म दे दिया, मगर इसके पहले अपन ने इधर बल्ब बटन जलाया और लाइट आ गई, तो क्या लाइट इतनी जल्दी आ जाती है? लाइट से जहाँ बनती है वहाँ जा कर के देखो, साइफन चलते हैं, फिल्टर होता है पानी, फिर लाइट बनती है, फिर पावर हाउस में जो खम्भे आदि वो भी मशीनें लगी होती हैं, वहाँ से फिर इधर खम्भों में लाइट आती है, लाइट से फिर वायर आपके घरों में जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है लाइट में। और लगता था इधर बटन दबाया और लाइट आ गई। उसी प्रकार यहाँ मम्मी पापा ने जन्म दिया और हम पैदा हो गए? नहीं, निगोद से निकल करके कैसी कैसी निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, कैसे पृथ्वी बने, पृथ्वी काय बने, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल गई, जमीन को खोदा गया, बड़े बड़े मकान हमारे ऊपर लाद दिए गए, ये सारे कष्ट सहन किए हमने। ये छह डाला पढ़ाने में एक साल लगेगा मुझे पूरा, फिर तुम इतने अच्छे विद्वान हो जाओगे कि तुम सब स्वयं क्लासें लगाने लगो। तो ये 12 साल का कोर्स जरूर करें सारे लोग। अभी तो ठीक है अपन शिविर कर रहे हैं, फिर उसके बाद में 12 साल का एडमिशन ले लें, फिर कोई भी शीतलाचारी साधु तुम्हारे नगर में आ ही नहीं सकता। जो मोबाइल रखता है, पैसे रखते हैं, दुनिया के दंड फंद, कभी और प्रसंग आएगा तो बताएंगे। तो ऐसे दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही तृष्णी, लट पिपील अलि आदि शरीर धर धर मरियो सही बहु पीर। अब त्रियंश गति में दो प्रकार के सैनी और असैनी होते हैं। सैनी यानी जो मन सहित होते हैं, और असैनी यानी जिनके पास मन नहीं होता है वो असैनी कहलाते हैं। नसैनी मत कहना, नसैनी तो जीना चढ़ने की होती है, सैनी और असैनी। तो सैनी सैन नाई को भी कहते हैं, तो यहाँ नाई से कोई संबंध नहीं है। सैनी वो सैन कहलाता है, अब उनकी पत्नी सैनी हो गई। तो सैनी का मतलब है जो मन सहित है, और असैनी का मतलब है जो मन रहित है। मन का मतलब, मन हमें क्या कराता है? हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान कराता है मन। और जिसके पास मन नहीं होता है तो वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो बस सब प्रकारों के कष्टों को वो सहता रहता है। अब कहते हैं, कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। इधर से ले लो किताब बेटा, किताब नहीं मिली तुमको, उठाओ। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निर्वल पशु हति खाए भूर। अब पंडित दौलत राम जी साहब कहते हैं कि भौरा तो बन गया चौर इंद्री, भौरा मक्खी मच्छर ये सब चार इंद्री वाले कहलाते हैं। जो छोटे छोटे जीव उड़ते हैं
ये जो सब चौइंद्री जीव हैं। अब इसके बाद वो पंचेंद्री बना, कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, तो पंचेंद्री पशु बन गया, मगर मन बिन निपट अज्ञानी थयो, उसके पास मन नहीं मिला उसे। संगी पंचेंद्री तो बन गया, असैनी बन गया, पांच इंद्री कान भी मिल गए, पांचवी इंद्री कौन सी है, कान, तो ये मिल तो गए मगर एक मन नहीं मिला, सोचने समझने के लिए मन नहीं मिला, पंचेंद्री पशु बन गया, मगर मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सुन तो लेता है मगर रिप्लाई नहीं दे पाता, जवाब नहीं दे पाता, कोई ने गाली बक दी तो कुछ नहीं, बस सहन कर लेगा मगर वो कुछ कह नहीं पाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा, बोलेगा मगर उसका रिप्लाई, उसके पास मन ही नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं कि इसने मुझे क्यों मारा, पूछ भी नहीं सकता कि तुमने क्यों मारा, उसके पास मन नहीं है। सिंहादिक सैनी हु क्रूर, और कभी शेर की पर्याय में आ गया, सिंह बन गया, टाइगर बन गया, सांप आदि बन गए, तो जिनके पास पांच इंद्री होती हैं, मन होता है, वो सैनी कहलाते हैं, और पांच इंद्री होती हैं, जिसके पास मन नहीं होता वो असैनी कहलाते हैं। मगर मनुष्य तो नियम से सैनी ही होता है, त्रियंच हैं जो असैनी भी होते हैं और सैनी भी होते हैं, मनुष्य तो सैनी ही होगा, तो सिंह आदि जो पंचेंद्री हैं, क्रूर शेर आदि की पर्याय हैं, ये क्रूर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, निर्बल पशु हति खाए भूर, जो कमजोर पशु होते हैं, जैसे खरगोश हैं, हिरण हैं, छोटे छोटे जो जानवर हैं उनको शेर खा लेता है। सिंहादिक सैनी हैं क्रूर निर्बल, जो कमजोर हैं, बल में हीन हैं, पशु अति खाए भूर, यानी उन पशुओं को सिंह आदि क्रूर पर्याय होती हैं, तो वो उसे खा लेता है। अब कहते हैं त्रिंज गति में पशुओं को और किस प्रकार के दुख होते हैं, कबहु आपे भयो बलहीन, सवलन सवलन कवि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भारे बहन ही में आत्म त्रास। पहले तो सिंह आदि जो क्रूर बड़े शक्तिशाली थे तो उन्होंने निर्मल पशुओं को खाया, अब जो निर्मल थे वो बलहीन मतलब सबल बन गए, ताकतवर बन गए, कबहु आप भयो बलहीन, यानी अभी जैसे कोई अच्छा पहलवान है और मरण करके फिर वो बिल्कुल 13-14 बोल्ट हो गया, नरकंकाल हो गया, दुबला पतला हो गया, और जो दुबला पतला पहले था वो अच्छा हट्टा कट्टा हो गया, खली जैसे हो गया, तो खली ने 3-4 लोगों को मार दिया, तो ऐसे ही जो सिंह पहले बलशाली था वो हिरण बन गया, खरगोश बन गया, चूहा बन गया, बिल्ली बन गया, और जो बिल्ली चूहे आदि थे वो सिंह की पर्याय में बलशाली हो गए, तो जिसने पहले उसे मारा था तो उसने उसको मारना चालू कर दिया। कबहु आप भयो बलहीन, सवलन सबल निकर खायो अति दीन, तो जो बलहीन बन गया था, जो सबल था पहले, सबल समझ रहे हो ना, जो बलशाली था वो कमजोर हो गया, और जो कमजोर था वो बलशाली हो गया, तो जो कमजोर था बलशाली हो गया, और जो बलशाली था वो कमजोर हो गया, तो उस कमजोर को बलशाली ने पुनः खाया, खायो अति दीन, और बड़ी दीनता बड़ी दया करुणा से हमने चिल्लाया मगर किसी ने भी हमें बचाया नहीं, ऐसा अति दीन हम चिल्लाते रहे मुझे बचाओ बचाओ, ये मुझे मार रहा है, ये मुझे काट रहा है, मगर किसी ने भी हमें, और हम इतने अति हीन थे, इतने दुर्लभ थे, इतने कमजोर थे कि हमारे पास ताकत नहीं थी कि हम उससे निपट सकें, अतिहीन मतलब हम बहुत कमजोर थे, बहुत बलहीन थे, और फिर क्या किया जाता है त्रिंच पर्याय में, छेदन भेदन भूख प्यास, आपने देखा बैलों के पैरों में नाल ठोके जाते हैं, घोड़े के पैर में नाल ठोके जाते हैं, उनके बांध दिए जाते हैं पैर और एक लकड़ी से फंसा दिया जाता है,
और उनको जो पुराने नाल होते हैं क्या बोलते हैं, प्लास प्लास से पकड़ करके खींच देते हैं और फिर नया नाल लगाते हैं और कील ठोक, जैसे अपन दीवार में लकड़ी में कील ठोकते हैं ऐसे कील ठोक देते हैं। काले घोड़े की नाल बाजार में उसकी अंगूठियां बहुत बिकती हैं। कहते हैं शनि निवारण के लिए काले घोड़े की नाल बहुत फायदा करती है, मगर ये इसे बेवकूफ़ बनाना है। कोई अंगूठी फंगूठी काम नहीं करती है और वो घोले घोड़े को डाई कर देते हैं और घोड़े के पैरों में नाल ठोक करके उनको बेचते हैं, तो ये अपन को नहीं खरीदना, इससे कोई फायदा नहीं होता। लोहा तो वैसे ही अशुभ होता है, और वो जो उसकी ऐसी लोहे की पट्टियाँ टाइप की होती हैं वो घोड़े के पैरों में ठोक देते हैं। अब बताओ अपन को एक सुई चुभ जाती है तो कितनी वेदना होती है, और उसको कील हथौड़े से ठोक रहे हैं कितना कष्ट होता होगा। तो ये छेदन भेदन, भूख समय पे भोजन नहीं मिलना, समय पे पानी नहीं मिलना, और उसकी शक्ति से ज़्यादा उसके ऊपर बोझा लाद दिया, एक बैल जोत दिया एक गाड़ी में, और उस बैल की क्षमता है कि भाई 5 बोरे ले जा सकता है, मगर 10 बोरे लाद दिए, 15 बोरे लाद दिए, उसकी गर्दन छिल गई, हकनी से मार रहे हैं, सुई घुसेड़ रहे हैं, जो उनकी हकनी होती है उसमें कील लगी होती है, वो कील चुभाते हैं उसको, तो वो बैल चलता है इससे हिला हिला करके। इसमें चित्र भी बने हैं आपकी किताब में। तो इतना बोझ लाद देते हैं, भार बहन, हिम यानी भयंकर ठंडी, आतप गर्मी, और उसमें कष्ट उनको प्राप्त होते रहते हैं, दुख प्राप्त होते रहते हैं। तो ऐसे त्रिंज गति में अनेक दुख अपन भोग करके आए हैं। अपन भी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि सारे दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमारा और तुम्हारा जन्म ना हुआ हो। हमने भी कई बार इस दमोह में जन्म लिया है, शंकर होटल के पास में भी जन्म लिया है, तो घंटा घर में भी जन्म लिया है। आप सबने भी सारी दुनिया में ऐसे सुई के बराबर भी नोक की जगह नहीं है जहां हमारा और तुम्हारा जन्म ना हुआ हो। तो ये त्रिंज गति के दुखों की बात कही। अब त्रिंज गति में और दुखों की अधिकता कहते हैं, और नरक गति किस प्रकार से प्राप्त होती है उसकी बात करते हैं। बदबंधन आदि के दुख घने, कोटि जीवे ते जाते न भने, अति संक्लेशे भाव ते मरियो, घोर सभ्य सागर में परियो। बदबंधन, बद याने मर्डर कर देना, मार देना। तो त्रिंज गति के जीवों में किसी कसाई ने जाकर के उसकी हत्या कर दी, तो किसी को मारने में कितना दुख होता है, जो मारा जाता है, किसी को काटा जाता है, छेदा जाता है, भेदा जाता है। जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारी नाक छिदवाती है तो कितना कष्ट होता है नाक छिदवाने में, कान छिदवाने में। तो ऐसे जानवरों के शरीर को छेदा भेदा जाता है, कितना कष्ट होता है। बंधन बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, 4 फुट की रस्सी दे दी, उस समय तो छाया थी और फिर धूप आ गई, अब वो रस्सी बंधी उससे बड़ी रस्सी नहीं है, तो वहीं पर वो बंधन के कारण कहीं आओ वहाँ छाया में नहीं जा पा रहा है, ऐसे बांध दिया। और अनेक प्रकार के, ये तो उनने उदाहरण दे दिया, बदबंधन आदिक दुख घने, घने यानी बहुत सारे, इतने दुखों को सहन करता हुआ। और फिर आगे क्या, कोट जीवते जात ना भने, कोटि यानी करोड़ों करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी उनके दुखों का बखान नहीं किया जा सकता। पीछे कुछ किताबें रख लें, जो लेट आ रहे हैं वो किताबें लेते जाएं, मगर समय से आए। तो ऐसे करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा, अरबों खरबों जिह्वाओं के द्वारा जिसका बखान न किया जा सके, ऐसे अति संक्लेश भावते मरियो। और नरक कैसे चला जाता है जीव, अति संक्लेश करता है,
जैसे कहते हैं ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है भाई टेंशन? पता नहीं, हमारे देवर जी जब देखो जब कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, उनको फूटी आंख नहीं देखते हमारे पति को। कैसे कहती महिलाएं, हमारे पति को फूटी आंख नहीं देखते महाराज जी। 8 बजे दुकान चले जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, फिर भी कोई इज्जत नहीं है उनकी। अब हम घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, अति संक्लेश, इतने संक्लेश कर रहे हैं, इतने संक्लेश कर रहे हैं, इतने विकल्प कर रहे हैं, इतनी फीलिंग कर रहे हैं कि हमें उस समय आयु बंद हो गया तो नरक में जाकर के हमारा जन्म होगा। तो कहते हैं अति संक्लेश भाव ते मरियो, और ऐसे संक्लेश करके, खोटे विचार करके, खोटे काम करके, तो क्या करता है जीव? अति संक्लेश भाव ते मरियो, तो ऐसे परिणाम करते हुए जब मरता है तो सब्र सागर में परियो, तो ऐसे भयानक भीषण नरकों में जाकर के उसका जन्म हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे पति के ऐसे कर्म थे, पूर्व जन्म में उनके पास हुकूमत थी, उनका प्रभाव था, तो उन्होंने अपने देवर को पूर्व जन्म में सताया होगा, तो आज वो तुम्हें बदला ले रहा है। हम आपसे पूछते हैं, अगर आप लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, सूट बहुत अच्छे अच्छे हैं, और आपकी सहेली ने आकर के कहा कि भाई तू 5 साड़ी मुझे दे दे, मुझे सागर बारात में जाना है, 5 अच्छी साड़ी दे दो और हम बाद में 15 दिन के बाद ड्राई क्लीन करा करके वापस दे देंगे, तो तुम दे दोगी ना? क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुमने भी सूट दे दिए, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, दे दिए, और वो 15 दिन के बाद ड्राई क्लीन करा करके तुम्हारे सूट या साड़ियाँ वापस कर दी, तो तुम खुशी खुशी लोगे या गुस्से में लोगे? संक्लेश परिणामों से लोगे कि प्रसन्नता से लोगे? बस इसी प्रकार तुम्हारे पति जो देव हैं, पति देव हैं, और जो तुम्हारे देवर जी हैं, तो देवर जी को तुम्हारे पति ने पूर्व जन्म में सताया था, परेशान किया था, उनकी इज्जत नहीं करते थे, वो बेचारा मेहनत करता था, सब कुछ वो ही करता था, और तुम्हारे पति ऐसा आराम करते थे और गाली गलौज बकते थे, और वो देवर सब सहन करता था। उसी सासू को भी घटा सकती हूँ, अगर कोई की सासू रणचंडी का रूप धारण करती हो, या कोई की बहू रणचंडी, अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे, आगे डब्बा पीछे इंजन, अगर ऐसी भी चलाती हो कोई बहू या सासू या देवर, एक्स वाई जेड कहीं भी लगा लेना, तो पूर्व जन्म में तुमने उसे सताया है तो आज वो वापस दे रहा है तुम्हारी चीज। जैसे कोई दुकान है किसी की, अब उसने कहा भैया 5 किलो शक्कर देना, उसने 5 किलो का पैकेट बनाया, उसने पैसे नहीं दिए, तो शक्कर किसके पास है? दुकानदार के पास, और पैसे देगा तो शक्कर उसके पास चली जाएगी। उसी प्रकार तुमने पूर्व जन्म में वो किसी को सताया है जो तुम्हें सता रहा है, तो उसने तुम्हें सताया, तुमने उसे सताया, तो उसने रख लिया वो सारी सताई हुई बातें, अब उसका पावर आ गया तो वो तुम्हें सता रहा है ना, तुम्हारी चीज़ें तुम्हें वापस दे रहा है, तो अपने जैसे सूट साड़ियाँ खुशी खुशी वापस ले लिए थे आपने, ऐसी जो गालियाँ तुमने पूर्व जन्म में किसी को दी थी वो तुम्हारी वापस दे रहा है, ले लो, टेंशन करने की ज़रूरत क्या है? अति संक्लेश भाव करने की ज़रूरत क्या है? समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए ये चश्मा है, और ये चश्मा इस कमरे में एक बच्चा था, मैंने उसको दे दिया और कहा कि 1 घंटे बाद लाना। अब 1 घंटे बाद वो बच्चा चश्मा लाया, तो यहाँ 500 लोग बैठे थे, उसने कहा महाराज जी ये चश्मा, तो ये 500 क्या समझेंगे कि बच्चे ने चश्मा मुझे दिया है, मगर चश्मा किसका था? उसी प्रकार तुम्हारी सासू ने तुम्हें भला बुरा कहा है तो वो किसका था? तुमने पूर्व जन्म में सासू को भला बुरा कहा था, तो वो रिप्लाई दे रही है, वापस दे रही है, अपनी चीज़ खुशी खुशी ले लो, सारी कसाई खत्म, झगड़े टंटे खत्म। जैन दर्शन एक बार समझ में आ जाए तो अपना जीवन ऐसा आनंदमय हो जाए कि कितने भी पहाड़ टूट जाएं तो भी अपन को कोई फीलिंग नहीं होगी। तो अब कहते हैं नरकों की भूमि कैसी होती है, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राध सोणित वाहिनी,
कृमि कुल कलित देह दाहिनी। इन्हें जीव जब यहाँ से नरकों में जाता है तो वहाँ की भूमि कैसी है, तहाँ उस पृथ्वी की भूमि जमीन कैसी है, परसत यानी उसका स्पर्श करते ही ऐसा दुख होता है, सहस यानी हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काट दिया हो। किसको काटा बिच्छू ने, कभी हमें भी काटा तो कितना दुख होता है, पूरा शरीर झंझना जाता है। और जब एक बिच्छू के काटने से इतनी वेदना होती है तो हजारों बिच्छू जब एक साथ काटेंगे तो कितनी वेदना होगी। तो जैसे ही वो जन्म लेता है, उस भूमि का स्पर्श करता है, तो उसे ऐसा एहसास होता है कि हजारों बिच्छू ने मुझे एक साथ काट दिया है। और नहीं तो काम करते हैं, कल 1000 सुई लेकर के आना तो पाई वाली, और एक दूसरे को एक साथ छुपोना, तो पता चलेगा कि नरकों में कैसी वेदना होती है, ठीक है ना। तो ऐसे दुख काटने से होते हैं, वहां की भूमि इतनी खतरनाक है। और उस नोधर क्या होता है, कृमि कुल कलित देह दाहिनी, और शरीर को दाहे उत्पन्न करती है, वेदना उत्पन्न करती है, जलन पैदा करती है। कैसे, वहां जो नदी नहीं है, वहां वो नारकी ही नदी बन जाता है। अभी अपन आगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो कह रहे हैं, राध सोनित वाहिनी यानी पीप और खून की बहने वाली नदियां, तो वो है नहीं वहां पर, वहां तो कुछ भी नहीं है, केवल उनके बिल हैं और भूमि है, जमीन है, मगर इतनी खतरनाक जमीन है कि उसका स्पर्श करते ही जैसे 1000 बिच्छुओं ने काटा, इससे भी भयंकर पीड़ा वहां होती है। और तहां उस नरक में कृमि कुल कलिंत यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से भरी हुई नदियां हैं, नदियां नहीं है, वो नारकी जीव ही नदी का रूप धारण कर लेते हैं, पीप का, खून का, और वही नारकी कीड़े मकोड़े बन जाते हैं विक्रिया से। तो वो पीप और खून की बहने वाली नदियां, बैतरणी नामक नदी, उसको वो बैतरणी नदी कहते हैं, जो ताड़ने वाली नहीं है, तारने वाली नहीं है, उसी में सड़ाने गलाने वाली है, चित्र बना हुआ है ना। तो ये नारकी जीव स्वयं बन जाते हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे पूछो बेटा क्या करो, हमसे पूछो क्या पूछ रहे हो, जिसको भी प्रश्न करना मुझसे पूछे। तो ये जीव इस प्रकार से नरकों में अनेक कष्टों को सहन करता है। और नरक में क्या होता है, सेमर तरु दल जुते असी पत्र, असी ज्यो देह बिदार ही तत्व, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। जब उन नारकी जीवों के लिए दाहें उत्पन्न होती हैं, गर्मी लगती हैं, बेचैनी होती हैं, तब कोई नारकी एक सेमर का वृक्ष बन जाता है। इन्हें जो दुश्मन नारकी होते हैं वो पेड़ बन जाएंगे, तो पेड़ के नीचे छाया मिलती है। तो जब उन्हें दाहें तकलीफ आदि होती हैं तो वो पेड़ के नीचे जाते हैं कि चलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, छाया मिलेगी। तो सेमर तरु दल जुते असी पत्र, तो उसके जो पत्ते हैं वो नीचे गिरते हैं, वही नारकी गिराता है पत्ता। तो कैसे, क्या कह रहे हैं, तत्व उस नरक में असी पत्र, असी यानी तलवार, जैसे तलवार कटार आदि होती है, पैने चाकू आदि होते हैं, उससे कट जाता है। जैसे मान लो ऊपर से हम एक चाकू गिरा दें तो तुम्हारा शरीर कटेगा कि नहीं कटेगा, तलवार गिरा दें तो शरीर कटेगा कि नहीं कटेगा, उसी प्रकार वो पत्ते जो होते हैं सेमर के वृक्ष के, वो तलवार के समान पैने होते हैं। और जैसे ही वो उसकी छाया के लिए जाता है, उसके ऊपर गिरते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, शरीर कट पिट जाता है, फट जाता है उस नरक में।
इस प्रकार और सर्दी कैसे पड़ती है, मेरु समान लोहे गल जावे। 100,000 योजन का मेरु है, जो मेरु पर्वत है वो 100,000 योजन का है। और 100,000 योजन दो प्रकार के योजन होते हैं, लघु योजन 8 मील यानी 12 किलोमीटर का होता है, और जो महायोजन होता है वो 4 मील का होता है। तो ऐसा 100,000 योजन प्रमाण मेरु जो लोहे से कठोर होता है, वहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि वो गल करके पानी हो जाता है, और गर्मी इतनी पड़ती है कि वो गल करके पानी के समान हो जाता है, जैसे पानी लिक्विड होता है। और सर्दी इतनी पड़ती है कि वही 100,000 योजन का लिक्विड पानी अगर सर्दी के स्थान पर भेज दिया जाए तो वो बिल्कुल लोहा बन जाता है, इतनी सर्दी गर्मी वहाँ पड़ती है। और तुम कहते हो महाराज जी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तुम्हारे गले की चैन गली क्या, तुम्हारे गले की चैन गली क्या, बेकाई की गर्मी है। एक अल्पिन डाली रहती है माताएं चैन में, पिन वो गल गई क्या, बेकाई को कहती हूँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और गर्मी कितनी हो रही है, मेरु समान लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता थाए। ऐसी सर्दी गर्मी नरकों में पड़ती है कि मेरु के समान लोहा गल जाता है, छोटा मोटा लोहा का टुकड़ा नहीं, 100,000 योजन प्रमाण लोहे का टुकड़ा गल जाता है, इतनी गर्मी और सर्दी पड़ती है। इसलिए इस सर्दी को प्रसन्नता से सहन करना चाहिए। कभी नरक चले गए तो कैसे सहन करोगे, अभ्यास करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसवी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो जब गर्मी सहन करोगे तो कभी नरक जाओगे, भगवान करे कोई नरक ना जाए बाई दावे। अगर कोई ऐसे काम कर लोगे अति संकलेश भाव ते मरियो, तो फिर दुर्गति जाना पड़ेगा। तो सहन यहीं से करके जाओ, अभ्यास करो कि नरक में हमें कैसे सहन करना। डोंट वरी बी हैप्पी, कितनी भी गर्दी सर्दी पड़े हम तो सहन करके आए हैं दमोह में। हाँ आगे 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 एक्स वाई जेड कहीं पे भी, जंक्शन पे सब जगह की ट्रेन मिलती है, बिना जंक्शन से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और जंक्शन कहाँ है, दमोह जंक्शन है क्या, कटनी, कटनी यहाँ से 80 किलोमीटर, कटनी चले जाओ सब जगह की टिकट मिलेगी। तो ये मनुष्य पर्याय एक ऐसा जंक्शन है, यहाँ से नरक की भी जगह टिकट मिलेगी, त्रिवेंश की भी मिलेगी, स्वर्ग की भी मिलेगी, मनुष्य की भी मिलेगी और मोक्ष की भी टिकट मिलेगी सब जगह। नित्य निगोद में जा सकते हैं, नित्य निगोद में नहीं जाएंगे, इतर निगोद में जा सकते हैं। तो कहीं की भी जाना, एक्स में ये जंक्शन है मनुष्य पर्याय। तो ये समझ में आ गया, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। अब वहां नरकों में किस प्रकार के कष्ट होते हैं, तो वहां तिल तिल के बराबर जो आपके तिल के दाने होते हैं उससे भी असंख्यात गुने, जितना छोटा से छोटा टुकड़ा कर सको उतने टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। तिल तिल करें देह के खंड, इस शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। और क्या होता वहाँ, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, और जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं वो नरकों में जाकर के यहाँ वहाँ की चुगली करके भिड़ा देते हैं। यहाँ भी कुछ असुर कुमार के नारद टाइप के लोग होते हैं, किसी के घर में सुख शांति अच्छी चल रही है तो कोई डोकरी यूजलेस किसी की सासू को भड़काएगी, कहे भाई तुम अपनी बहू को कितनी छोड़ती हो, जब देखो जब मंदिर में रहती है वहाँ, कछु कंट्रोल करो भाई, अब जमानो खराब या है। मैं देखो सुबह में क्लास में आ जाते छुल्लक जी की, शाम को प्रवचन में आ जाते हैं, दोपहर को क्लास में आ जाते हैं, भाई घर को काम को करो तो ये।
अब इतना अच्छा चल रहा था उसके घर में, बिल्कुल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, मगर एक पड़ोसन डुकरिया ने आग लगा दी। कुछ नहीं था, बहुत अच्छा चल रहा था, बहू को 7 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी, तो उसने मंदिर में जा कहा भाई कछु है, बहू को कछु है, नैया भाई 7 साल हो गए, हमने कही थी तुमसे कि दमोह बारी से न करो, उससे ग्राम पर बारी को बोला ले आओ, सुबह कितनी अच्छी आती होगी, देखो 5 हो गए 7 साल में, अब लगा दें आगों ने। ये कहलाते हैं अश्व कुमार के दुष्ट देवियां, इनने आग लगा दी, उसके घर में शांति चल रही थी। तो ऐसे नरकों में भी भेड़, हमारी बातें समझ में तो आती ना तुम सबको, हम वही उदाहरण देते हैं जो तुम्हारे घरों में चलता है। तो ऐसी आग लगा देते हैं और बड़ी क्रूरता के साथ, प्रचंडता, बड़ी निर्दयता के साथ घरों में भिड़ान भिड़ा देते हैं, इधर उधर की बातें करके, ऐसे ही नरकों में भी भिड़ा देते हैं। सिंधु नीबते प्यास न जाए, और वहाँ इतनी प्यास लगती है कि समुद्र के बराबर भी पानी पिला दिया जाए तो भी प्यास न बुझें, मगर तो भी पण तो पण एक न बूंद लहाए, तो एक बूंद भी पानी वहाँ नहीं मिलता। इसलिए जो जितना ज़्यादा पानी फेंकते हैं उन्हीं को ऐसी जगहों में जन्म लेना पड़ता है जहाँ पानी पानी चिल्लाते हैं तो भी एक बूंद पानी नहीं मिलता। कल हमने प्रवचन दिया था, कृष्ण जी को एक लोटा पानी नहीं मिला।